आज की रेसिपी मक्के की रोटी और सरसों का साग। अपना पंजाब होवे मंजे ते बैठा जट। पंजाब सर्दियों का मतलब मक्के दी रोटी और सरसों दा साग। तो नमस्कार, कैसे मेरे स्वाद के शौकीन मित्रों, मैं राज पुंडीर और आज आपके लिए रेसिपी लाया हूँ डायरेक्ट अमृतसर से, वो भी मक्के दी रोटी और सरसों दा साग। तो वीडियो को देखें कंटिन्यू और बनाएं अपने घर पे ये वाली पंजाबी रेसिपी मक्के दी रोटी सरसों दा साग। लेट्स करते हैं बनाना स्टार्ट। सरसों का साग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए तीन टाइप के साग। यह है सरसों, सरसों का साग जिसे कहते हैं सरसों की पत्तियाँ, और यह है पालक, फ्रेश पालक हमने ले रखी साथ में, और इसके साथ में एक और साग है जिसका नाम है बथुआ, जिसे चौलाई भी लोग कहते हैं। कुछ लोग बथुए की जगह पे मेथी का भी यूज करते हैं। तीनों साग मैंने यहाँ पे लिए हैं, बिल्कुल उनको अच्छे से हमने वॉश कर देना है पहले, और साथ में यहाँ पे कटी हुई लहसुन, बारीक कटी हुई अदरक, बारीक कटी हुई प्याज और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, और साथ में लाल मिर्ची। ये देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल मैंने सेट कर रखी हैं। और उसके लिए उसके बाद क्या करेंगे, एक पतीले में रखेंगे पानी गर्म। पानी मेरा गर्म ऑलरेडी है, सबसे पहले मैंने इसके अंदर डाला साग, फिर बथुआ और फिर पालक। इनको हमने 5 मिनट तक ब्लांच करना है, 4 से 5 मिनट बस, उससे ज़्यादा हमने इसे ब्लांच नहीं करना। ये देखिए इस तरह से जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, और जैसे ही आपका ये साग ब्लांच हो जाए, ज़्यादा हमने इसे बॉयल नहीं करना, हमने करना है सिर्फ ब्लांच। और उसके बाद इसको छान देंगे ठंडे पानी के साथ में, और ऊपर से डालेंगे ठंडा पानी ताकि इसका कलर बिल्कुल हरा रहे जब हम साग बनाएं। ये देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देना है, और ठंडा करने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद आप इसे चॉप भी कर सकते हैं, बारीक बारीक कट कर सकते हैं, या ग्राइंडर या मिक्सर में डाल के इसको मोटा मोटा हमने पीसना है, क्योंकि साग कभी भी फाइन पेस्ट नहीं होता है। जो गांव में, पंजाब के गांव में बनाया जाता है, वो वाला साग मैं आज आपको बना के दिखाऊंगा। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो हमने इसे जाने दिया ग्राइंडर के अंदर में मोटा मोटा पीसने के लिए। तब तक मैं मक्की का आटा लगा के दिखाता हूँ। 1 कप मैंने लिया यहाँ पे मक्की का आटा, आधा कप गेहूँ का आटा, और आधा चम्मच मैं इसके अंदर ऐड करूँगा नमक, और इसे कर देंगे बढ़िया से मिक्स। और फिर इसको जितनी इसकी ज़रूरत है उतने हम इसके अंदर पानी ऐड करते हुए इसे मक्की के आटे को लगाएंगे। मक्की का आटा से जब हम रोटियां बनाते हैं, मक्की की जो रोटियां बनती हैं, तो मक्की का आटा, इसलिए इसके हम गेहूं का आटा इसमें ऐड किया ताकि रोटियां हमारी अच्छे से बने। मक्की का जो आटा होता है और जो ये सरसों का साग है, इसका जो टेस्ट और कॉम्बिनेशन बना है बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इसको बेसिकली बनाया जाता है साग को मिट्टी के मटके में और लकड़ी के चूल्हे में पंजाब के अंदर में, और तवे के ऊपर उसी आग में रोटियों को सेका जाता है। और जब अंगार के ऊपर रोटी का जो स्वाद आता है, उसका बाद जो इसको वाइट बटर यानी जो देसी मक्खन होता है गांव में बना, उसके साथ खाने का एक मज़ा ही अलग होता है, साथ में वहां की फ्रेश गुड़। ये देखिए हमारा ये मक्की का आटा बिल्कुल तैयार हो चुका है यहाँ पे। इसको लगा के मैंने अब साइड में रख देना है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने आपको लगा के दिखाया, और मक्की का आटा बिल्कुल लग के तैयार। अब क्या करेंगे, एक पैन लेंगे, पैन में डाले मैंने 2 चम्मच देसी घी, आप मस्टर्ड ऑयल भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा जीरा और ये लाल मिर्च। जीरा जैसे चटक जाए उसके बाद इसमें ऐड करेंगे कटी हुई बारीक लहसुन। सरसों का साग सरसों के तेल के साथ भी बनाओगे तो बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। मैं बना रहा हूँ इसे देसी घी के साथ में, कटी हुई हरी मिर्ची भी मैंने इसमें ऐड कर दी यहाँ पे, ये देखिए, और ये कटी हुई बारीक अदरक। आप 2 से 3 मिनट तक हमने इसको भूनना है। ये जो मैंने इसके अंदर डाली है लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची और साथ में लाल मिर्ची और जीरा, फिर ऐड करेंगे इसमें बारीक कटी हुई प्याज। मैंने यहाँ पे प्याज ले रखी है, 2 मीडियम साइज की प्याज को मैंने बारीक बारीक काटा है। आपके पास साग की कितनी क्वांटिटी है उसके अनुसार ही आपने प्याज और ये लहसुन को डालना है इसके अंदर में। यहाँ पे मैंने इसमें 1.5 चम्मच डाला है मक्की का आटा, क्योंकि जब हम इसको भूनेंगे तो बढ़िया सी खुशबू इसके अंदर में आए सरसों के साग के साथ में।
ये देखिए एक बढ़िया सा इसमें कलर आता हुआ बेस, जो मैंने अभी मक्की का आटा इसमें डाला, नमक और ये देगी मिर्ची, और अब इसमें मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे जो हमारा साग था। ये देखिए आपको जो मैं दिखा रहा हूँ, साग हमारा बिल्कुल भी फाइन पेस्ट नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा हमने इसको मोटा मोटा रखा है, ताकि जो सरसों के साग का एक ऑथेंटिक टेस्ट और जो इसका ऑथेंटिक बनाने का तरीका है पंजाबी स्टाइल में, उस तरीके से। बट ये बनता है मिट्टी के घड़े में या मिट्टी के मटके में, लकड़ी के चूल्हे पे, जो हमारे पास यहाँ पे इस टाइम अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसे पैन में बना के आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन तरीका 80-85% वही जो पंजाब में बनाया जाता है। अब हमने इसे कंटिन्यू भूनते रहना है पैन के ऊपर बिल्कुल स्लो आंच पे, क्योंकि मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि गैस की, चूल्हे की, जितनी आपकी गैस की आँच स्लो रहेगी उतना ही खाना आपका बढ़िया बनेगा, उसका उतनी बढ़िया टेस्ट आएगा। ये देखिए बिल्कुल अब हमारा ये साग अच्छे से भुन रहा है। अब मैं इसके ऊपर रख देना है ढक्कन को 5 मिनट तक के लिए, उसके बाद उसको खोलेंगे तो ये देखिए इसके अंदर जो हल्का सा पानी रहा होगा, जो इसका रस होता है साग का, वो अपने आप इस पैन के अंदर छोड़ने लगेगा। और अब आप देखोगे तो पैन को साग अपने आप छोड़ने लगे, इसमें चिपकेगा नहीं, मतलब आपका साग रेडी होने जा रहा है। एक हल्का सा ब्लैक ब्लैक कलर इसमें तेल छूटने लगेगा। और अब मैंने इसके ऊपर से डाला 1 चम्मच देसी घी और फिर इसे कवर कर दिया 5 मिनट के लिए। और अब फिर से खोलते ही तो ये देखो आप देख रहे हैं साइड में ये छोड़ रहा है हल्का सा काला काला तेल। ऊपर से थोड़ा सा गर्म मसाला मैंने इसमें डाला सिर्फ टेस्ट के लिए, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो। अब बनाते हैं इसके लिए मक्के की रोटी। सबसे पहले मैंने क्या करने के, जो हमने लगाया हुआ आटा था यानी आटा को गूंथा हुआ था, उसके इस तरह से पेड़े बना के ये देखिए इस तरह से, फिर आप चाहो तो बेलन से बेल सकते हो या हाथ से भी बना सकते हो, मैं यहाँ पे आपको बेलन से बनाते हुए दिखा रहा हूँ। और बना रहा हूँ इसे पैन के अंदर में, ऐसे गांव में बनता है लकड़ी के ऊपर, और फिर सेका जाता है लकड़ी की जो आग होती है अंगार उसके, तो उसके बाद जो रोटी का टेस्ट आता है बहुत ही बढ़िया। तो सर्दियों के सीजन में मक्के की रोटी, सरसों का साग पंजाब में बड़े चाव से लोग खाते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट यहाँ पे बनता है। मैंने कई बार यहाँ पे खाया है क्योंकि मैं खुद पंजाब में इस टाइम में रहता हूँ। तो ये देखिए इस तरह से आपने मक्की की रोटियाँ बना देनी, कितनी बढ़िया हमारी रोटी फूली है। सेम इसी तरह से आपने जितना भी आपने मक्के का आटा लगाया उस सारी रोटियाँ इसी तरह से बना देनी है। मक्के की रोटी और सरसों के साग के साथ में हमेशा सर्व किया जाता है गुड़ और वाइट बटर यानी सफ़ेद मक्खन, जो गांव का बने वो बना होता है, जो सारे लोग घरों पे बनाते हैं उसे। अब पहले की मात्रा में बनना कम हो गया, लेकिन फिर भी पंजाब में आज भी ये बनता है। ये देखिए रोटी हमारी बिल्कुल बनके तैयार, और साग आप देखिए हल्का सा इसमें कालापन, यानी साग बिल्कुल अच्छे से भुन गया है, बिल्कुल हो चुका है तैयार। और अब रखेंगे इसे एक बाउल के अंदर में। ये देखिए साग का कलर देखिए, और इसकी जो थिकनेस देखने एकदम स्मूथ हमारा साग नहीं बना, क्योंकि साग को हमने थोड़ा सा मोटा मोटा ही ग्राइंडर के अंदर में ग्राइंड किया था। गार्निश करने के लाल मिर्ची के साथ में और थोड़ा सा देसी घी। ये देखिए मक्के की रोटी, वाह कलर देखिए, खुशबू देखिए साथ में। मेरे पास वाइट बटर नहीं है तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ येलो बटर और साथ में गुड़। तो अब आपके सामने बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी आज की बेहतरीन डिश, मक्के दी रोटी, सरसों दा साग और नाले दे गुड़ और बटर। तो दोस्तों हम आपको हमारी आज की बेहतरीन रेसिपी मक्के दी रोटी सरसों दी साग कैसी लगी, वीडियो को करें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। इसी तरह की नई नई रेसिपियाँ आपको मैं देता रहता हूँ, चैनल को करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियो का सबसे पहले मिले आपको नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच, आपका दोस्त राज पुंडी, टेक केयर। तो एंजॉय करो गर्मा गर्म मक्के दी रोटी सरसों दा साग।